नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए। स्पेशली साउथ इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तेलुगु इंडस्ट्री ने। ಪ್ರೀತಿಯ ಕನ್ನಡಿಗರೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಚಾವೆದಲಿ. ಅದು ನಾನೇ ತಾನೇ. ಸರ್, ಆಪ್ಕೋ ಕನ್ನಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಔರ್ ಭಿ ಜಾದಾ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ ಸರ್, ಹಮಾರಾ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೈ ಯೇ. ಮೈ ತೋ ಕರ್ನಾ ಚಾಹತಾ ಹೂನ್, ವಹಾಂ ಕೆ ಜೋ ಕಂಪೋಸರ್ಸ್ ಹೈನ್, ಮೈ ಉನ್ಸೆ ಕೆಹನಾ ಚಾಹೂಂಗಾ ಕಿ ಪ್ಲೀಜ್ ಮುಜ್ಸೆ ಕನ್ನಡಾ ಗಾನೆ ಬಹುತ್ ಜಾದಾ ಗವಾಯಿಯೇ. कनाडा इंडस्ट्री में मेरे विजय प्रकाश बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं. ಬೆಳಕನ್ನು ತಿಂತದೆ ಎಲೆ, ಬೆಳಕನ್ನು ತಿಂತದೆ ಎಲೆ, ಎಲೆಯನ್ನು ತಿಂತದೆ ಮೇಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾ ಮೌಸಮ್ ಮುಜೆ ಬಹುತ್ ಅಚ್ಚಾ ಲಗ್ತಾ ಹೈ, ವಹಾಂ ಕಾ ಜೋ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಹೈ ವೋ ಬಹುತ್ ಹಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಹೈ. ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಕ್ಕ ಕೂಲು ಬೆಂಗಳೂರು. सुपर स्टार सिंगर का हमने सीजन किया ना, तो उसमें मनी करके एक लड़का था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उसका गाने का अंदाज बहुत अच्छा था. क्या बात है, बारिश हो रही है तो मुझे किशोरदा का वो गाना याद आता है, रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन. नेचर एकदम, उस प्लेस को देख के कौन सा गाना आता है माइंड में आपके? ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां, ये हसी वादियाँ ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾರೈಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸದಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ. ತೂ ಮೇರಿ ಅಧೂರಿ ಪ್ಯಾಸ ಪ್ಯಾಸ ದೋ, ಆ ಗಯಿ ಮನ್ ಕೋ ರಾಸ ರಾಸ, ಅಬ ತೋ ತೂ ಆ ಜಾ ಪಾಸ ಪಾ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ರಫೀಕ್ ದರ್ಬಾರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ಉದ್ಯಮಿ, ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಸಹ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್, ಶಾಸಕರು ಮುಳುಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಸಮೃದ್ಧಿಯೇ ಗುರಿ ಬಿ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ, ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಶಾಸಕರು, ಉದಯ್ ಬಿ ಗರುಡಾಚಾರ್, ಚಿಕ್ಕಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು, ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ, ಲಗ್ಗಿರಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಹೆಲೋ ಇದು ಸಿನಿ ಬೀಟ್ಸ್, ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್. ಇವತ್ತು ಮುಂಬೈ ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದ, ಒಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ಗಾಯಕ, ಗಾನಗಾರುಡಿಗ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಶೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಸರ್, ಜಿಂದಗಿ ಕ್ಯಾ ಕುಚ್ ಸಿಖಾತಿ ಹೈ ಔರ್ ಕ್ಯಾ ಕುಚ್ ಸಿಖಾನೆ ಕೆ ಬಾದ್ ಕ್ಯಾ ಕುಚ್ ಬದಲ್ ದೇತಿ ಹೈ? ज़िंदगी है ना, जैसे जैसे आप जीते रहते हो, जैसे जैसे एक्सपीरियंस करते रहते हो, वैसे वैसे आप सीखते रहते हो और हर पल कुछ ना कुछ सिखा के जाता है आपका, हर लम्हा हर दिन कुछ ना कुछ एक नई सीख देकर जाता है. तो जैसे जैसे आप ग्रो करते रहते हो, आगे बढ़ते रहते हो, तो बहुत कुछ सीखते रहते हैं. ओके सर, आपने करियर बहुत ज़ोर शोर से स्टार्ट किया था, मतलब स्ट्रगल स्ट्रगल का बार बोल रहा हूँ मैं, ज़ोर शोर का स्ट्रगल था, अब ज़ोर शोर की सक्सेस है, कैसे देखते हो आप इन दोनों को? सर, आई डोंट नो, मेरी लाइफ में कभी भी ना ऐसा नहीं कि ना सब कुछ स्थिर रहा है और सब कुछ सटल रहा है. ऐसा नहीं कि मैं बहुत जल्दी कोई मेरा मुझे फेम मिल गया या बहुत जल्दी है ना मेरी मुझे बहुत सारे गाने मिल गए, ऐसा नहीं है. धीरे धीरे हुआ है जो भी कुछ हुआ है, और मुझे लगता है कि ना धीरे धीरे जो चीज़ होती है वो ऐसा सुना है, मुझे पता नहीं है, बुज़ुर्गों से सुना है कि ना वो बहुत लंबे वक्त तक चलती है. क्योंकि एकदम सब कुछ मिल जाता है तो फिर वो कहीं ना कहीं उस पर कुछ ना कुछ अंकुश आ जाता है. तो मुझे मेरी लाइफ में सब कुछ आराम आराम से मिला है और अभी भी आराम आराम से मिल रहा है. तो जो भी मिला है ऊपर वाले ने, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका कि उसने मुझे सही वक्त पे और सही चीज़ दी है. सर, गलियाँ बदल जाती है लेकिन यादें नहीं बदलती. आज भी जो गलियों से आप गुजरते हो, उन गलियों को देख के क्या याद आता है आपको? जहाँ से मैं, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो जब भी मैं दिल्ली जाता हूँ तो मैं वहाँ पे अपना बचपन याद करता हूँ, अपना अपने दोस्त याद करता हूँ, अब वहाँ का खाना याद कर मिस करता हूँ. ऑफ कोर्स जाता रहता हूँ मैं कॉन्सर्ट्स वगैरह में, लेकिन जब भी जाता हूँ तो हमेशा एक नयापन लगता है और हमेशा बार बार जाने का दिल करता है वहाँ पर. और ऑफकोर्स जहाँ पर मैं बॉम्बे में भी रहता था, जिस जगह रहता था जहाँ से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था या स्ट्रगल करता था, या पहली वो जगह जहाँ पे मैं रहता था, वो हमेशा याद रखता हूँ, कभी भूल नहीं सकता. भले ही मैं कहीं भी चला जाऊँ लेकिन वो पहली चीज़ हमेशा याद रहती है.
सर कन्नड़ा में कौन सा गाना आपने पहली बार गाया था, क्योंकि आपने बहुत सारे गाने गाया था श्रेया घोषाल जी के कॉम्बिनेशन में, हम लोग सुनते रहते हैं कन्नड़ा में। जी मैं कन्नड़ा, अब मुझे फिल्मों के नाम पता नहीं है, लेकिन कुछ गाने गाए, लेकिन तेलुगु ज़्यादा मैंने गाया है। हाँ, तेलुगु तमिल ज़्यादा गाना है, कन्नड़ा भी गाया है बट कंपेरेटिवली थोड़ा सा कम गाया है तेलुगु से और तमिल से, बट गाया है। मुझे पता नहीं कौन से गाने हैं सर। चिंगारी मूवी का एक गाना था डी बॉस का, चैलेंजिंग स्टार दर्शन सर का, और एक गाना था अलेमारी सिनेमा का जो कि अदुना ना 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 ने ताने। अच्छा वो मुझे याद भी नहीं आ रहा है गाना। ओके मतलब कन्नड़ा तेलुगु और तमिल लैंग्वेज कैच करने में आसान होता है आपको या मुश्किल होती है सर? शुरू में बहुत डिफ़िकल्टी आती थी कुछ वर्ड्स को लेकर, लेकिन अभी नहीं आती क्योंकि काफ़ी सालों से हम गा रहे हैं, तो ना जब भी गाने का ऐसा मौका मिलता है तो मैं अभी कोई टेंशन नहीं आती क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो चुके हैं उन वर्ड्स से, तो आसानी से गा लेते हैं। तो जब नई कोई चीज़ रहती है तो उसको उसमें आपको यूज़ टू होने में थोड़ा सा वक्त लगता है, लेकिन जब हो जाते हैं तो फिर आपको कोई तकलीफ़ नहीं होती। तो वैसा भी ऐसा है, स्पेशली साउथ इंडस्ट्री ने मुझे बहुत प्यार दिया है, तेलुगु इंडस्ट्री ने बहुत प्यार दिया, बहुत बड़े 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 गाने मुझे मौका मिला है गाने का, और बहुत सारे गाने अभी रिलीज़ भी हो रहे हैं, रिलीज़ हो चुके हैं। हाँ। और गाए हैं मैंने उपेना फिल्म का गाना निकन्नू नीली समुद्रम, और गुलाबी कल्लू रेंडू, और पुष्पा तो हिंदी का था, तो वही सभी गाने सभी के साथ में मज़ा आया। और जिस तरह से दोनों इंडस्ट्रीज़ जैसे बॉलीवुड और टॉलीवुड, दोनों इंडस्ट्रीज़ मुझे बहुत प्यार करती हैं, और मुझे हमेशा से ही बोला जाता है कि ना ये आपके लिए कुछ ख़ास गाने जब होते हैं तो आपको बुलाया जाता है, तो आई एम वेरी हैप्पी कि ना मेरा मुझे एक जो कोई स्पेशल चीज़ होती है उसके लिए याद किया जाता है, तो आई एम वेरी। ओके सर, मुझे एक सवाल हमेशा दौड़ता रहता है माइंड में, ये सुरीली आवाज़ कैसे बनती है, भगवान कैसे देता है सुरीली आवाज़? सर अगर मैं पूछ पाता तो मैं ज़रूर पूछ लेता ऊपर वाले से, लेकिन कोई भी नहीं पूछ सकता, ये उसकी मर्ज़ी है और वो जिसको समझता है उसी को देता है, और बस ये गॉड गिफ्ट है, अब खुदा का दिया हुआ गिफ्ट तो अनमोल ही होता है। करेक्ट। तो मैं बस उनमें से, मैं भी बहुत खुशनसीब हूँ कि वो गिफ्ट मुझे भी मिला है, और बस जितना शुक्राना अदा किया जा सके कम है। ओके सर, आपने हैदराबादी स्लैंग सुनी है? हाँ ऑफ कोर्स सुनिए। अब कुछ बोलना चाहोगे हैदराबादी स्लैंग में? हैदराबाद में कहाँ को जाता ही बात करता ही ये ऐसा कुछ एक्सेंट रहता है, और का आपकी खातिर क्या तुम ही बात करता है ऐसे सब रहते। महमूद जी की याद आती है जब ना मैं हैदराबादी लैंग्वेज सुनता हूँ। हाँ, तो उनका ज़्यादा ये रहते हैं जब वो मुझे ना, जब भी मैं हैदराबाद जाता हूँ और मैं वहाँ जाके अपने कोई जैसे ना कोई ड्राइवर मुझे लेने के लिए आए हैं तो वो हैदराबादी लैंग्वेज में बात करते हैं, और वो फ़ोन वोन पर बात करते रहते हैं और मैं बैठा रहता हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुनना। अच्छा। क्योंकि इतनी स्वीट लैंग्वेज है हैदराबादी, और बहुत ही नेचुरल, और बहुत ही उसके अंदर एक जो एक्सेंट है वो स्पेशली वो बहुत अच्छा लगता है। कभी मतलब बेंगलुरु आके, बेंगलुरु की उर्दू सुना है आपने? बेंगलुरु में आया हूँ लेकिन वहाँ ज़्यादातर उर्दू मैं नहीं गाया, क्योंकि आया बहुत, मैं आया और होटल में रुका, फिर शाम को शो किया, नेक्स्ट डे निकल गया। ऐसा कभी एक दिन एक दो दिन रुकने का मौका मिला नहीं है। बतौर कन्नड़ा तो आप गाना गा चुके हो, कुछ बोलना चाहोगे कन्नड़ा में? कन्नड़ा में मैं, हाँ। मुझे पता नहीं है, आप बोल दीजिए, मैं इसको रिपीट करता हूँ। क्या बोलना चाहोगे आप कन्नड़ा ऑडियंस को? मैं कन्नड़ा ऑडियंस को बहुत धन्यवाद करता हूँ, ऐसा बोलो। ओके। प्रीतिय कन्नड़िगरे, प्रीतिय कन्नड़िगरे, नानु निम्म प्रीतिय, नानु निम्म प्रीतिय, जावेदली जावेदली, निम्मेल्लर प्रीति, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ಹಾರೈಕೆ ಹಾರೈಕೆ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ, ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ವಾವ್, ಮತ್ಲಬ್ ಆಪ್ಕಾ ಪ್ಯಾರ್ ಔರ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಮೇಶಾ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ರಹೇ ಹೈ, ಐಸೆ ಕುಚ್. ಓಕೆ, ಕೋಯಿ ದೋ ಲೈನ್ ಹೋ ಜಾಯೆ ಸರ್. ಕಹಾ? ಅಬ್ ಕೋಯಿ ಭಿ ಗಾನಾ. ಓಕೆ,
ओके मैं एक तेलुगु गाना सुनाता हूँ मैं, मेरा जो गाया हुआ है उपेना मूवी के लिए. నికను నీలి సముద్రం నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం, నిన్న నీ నవ్వు ముత్యాల హారం నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం. నల్లేనైనా ముంగురులే అల్లారే దోరే బాయిలే. ఆగి ముందు యాద్ని నీ కన్ను నీలి సముద్రం నా మనసేమో అందుట్లో పడవ ప్రయాణం, నీ నవ్వు ముత్యాల హారం నన్ను తీరానికి లాగేటి దారం దారం. Wow, amazing. सर मैं सिनेरियोस बोलता हूँ, आप वो सिनेरियोस के हिसाब से दो तीन लाइन सुनाते जाइए सर. मतलब आप सोलो ट्रिप कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, उस गाने के बगैर आपका ट्रिप कंप्लीट नहीं होता, तो कौन सा गाना बचता रहता है आपकी गाड़ी में? ऐसा नहीं, मेरा हमेशा चेंज होता रहता है. मैं कभी जो मूड रहता है, जैसे कभी मैं थोड़े अपबीट गाने भी सुनता हूँ, या जैसे किशोर दा के गाने कभी सुनने लगते हैं, रफी साहब के गाने. ओके. या जैसे कभी ना क्लासिकल का मूड होता है तो मैं उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, या फिर गज़लों का मूड होता है तो उस्ताद गुलाम अली खान साहब, मेहदी साहब, जगजीत सिंह जी, सबको सुनता रहता हूँ. ओके. कोई मतलब सिचुएशन के हिसाब से सर, अगर वहाँ पे रेन हो रहा है, बारिश हो रही है, बरसात हो रही है, कोई गाना आता है माइंड में तो कौन सा आता है हमेशा? हाँ, जैसे बारिश हो रही है तो मुझे किशोरदा का वो गाना याद आता है, रिम झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, झिम झिम गिर सावन. ओके. जब आप कहीं घूमने जा रहे हो, बरसात के साथ साथ ग्रीनरी है वहां पे, बहुत सारे हरा भरा हुआ जंगल ऐसे कुछ रहता है, नेचर एकदम, उस प्लेस को देख के कौन सा गाना आता है माइंड में आपके? ये हंसी वादियां ये खुला आसमां, आ गए हम कहां ए मेरे साजना, इन बहारों की खिलती कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई, ये हंसी वादियां ये खुला आसमां. सर गाना गाना बहुत मुश्किल है, उसके बाद गाना गाने वालों को चुनना उससे भी बड़ा मुश्किल काम होता है, तो जज की सीट पे आप जब बैठते हो तो कितना डिफिकल्ट रहता है सर वहाँ पे? सर बहुत डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि बहुत ही कमाल के टैलेंटेड सिंगर्स आते हैं और हम उनसे भी बहुत कुछ सीखते रहते हैं, क्योंकि नया कुछ स्टाइल लेकर आते हैं सपना, तो हम सोचते हैं कि ना, मुझे लगता है कि ना कभी भी कोई भी आर्टिस्ट वो हमेशा स्टूडेंट ही बना रहे. करेक्ट. तो वो ज़्यादा प्रोग्रेस करता रहता है, बढ़ता रहता है, तो मैं हमेशा अपने आप को वो स्टूडेंट ही बना के रखता हूँ और सबसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ. सर बहुत सारे आपने सीजन्स देखे होंगे, आपका लाइक बेहद पसंदीदार, मतलब ये आवाज़ मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा, ऐसे कुछ रहता है ना सर कोई कंटेस्टेंट को देखने के बाद? तो अभी ना सुपरस्टार सिंगर का हमने सीजन किया ना, तो उसमें मनी करके एक लड़का था, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था और उसका गाने का अंदाज बहुत अच्छा था, बड़ा दिल से गाता था, तो वो मुझे बहुत पसंद था. सर अब जब बेंगलुरु आते हो तो मतलब वहाँ पे क्या कुछ अच्छा लगता है आपको? तो बेंगलुरु का एक तो ट्रैफिक बहुत ही खतरनाक है, और बेंगलुरु का मौसम मुझे बहुत अच्छा लगता है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और हमेशा एक जैसा क्लाइमेट रहता है. और मैं समझता हूँ जो लोग वहाँ रहते हैं वो ब्लेस्ड हैं, क्योंकि वो इतने अच्छे क्लाइमेट में, इतने अच्छे एनवायरनमेंट में रहते हैं और उनको किसी हिल स्टेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं, वो नेचर के साथ में रहते हैं, तो वो बहुत अच्छी बात लगती है. सर आपको कन्नड़ा इंडस्ट्री में कोई क्लोज फ्रेंड्स ऐसे कुछ हैं सर, सिंगर्स हो या फिर एक्टर्स? कन्नड़ा इंडस्ट्री में मेरे विजय प्रकाश बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं वो. ओके. उनको मैं जानता हूँ सबसे ज़्यादा, कनाडा ही है ना? कनाडा ही है सर, मुझे प्रकाश तो और सर से फेस मिलती है थोड़ा. हाँ हाँ, दोनों सिमिलर लगते हैं और मुझे लगता है उनसे मैं इतना नहीं मिला. मानो सर से मिला हूँ, तो तमिल इंडस्ट्री के है ना मानो. अर्जुन जुनिया सर है हमारे. मैं एक्चुअली विजय को बहुत अच्छे से जानता हूँ, विजय भाई को. ओके. तो वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं.
ओके वेल सर, एक फाइनल लाइन सर गुजारिश की, वो आमिर खान सर की मूवी थी, हाँ ठीक है, उसकी एक दो लाइन सर। तू मेरी अधूरी प्यास प्यास दो आ गई मन को रास रास अब तो, तू मेरी अधूरी प्यास प्यास तो आ गई मन को रास रास अब तो, तू आजा पास पास है गुजारिश कह दे तू हाँ तो जिंदगी झरनों से छूट के हंसेगी, मोती होंगे मोती राहों में, ये तू मेरी अधूरी प्यास प्यास। सर आपको कन्नड़ा सॉन्ग्स और भी ज्यादा करने चाहिए सर, हमारा डिमांड है ये। मैं तो करना चाहता हूँ, वहाँ के जो कंपोजर्स हैं मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्लीज मुझसे कन्नड़ा गाने बहुत ज्यादा गवाइए, क्योंकि मैंने तेलुगु तमिल तो बहुत सारे गाता ही हूँ, ऑफकोर्स में कन्नड़ा थोड़े से कम गाए हैं, तो प्लीज मैं चाहूंगा कि मैं कन्नड़ा इंडस्ट्री में भी और बहुत सारे अच्छे अच्छे गाने गाऊँ। सर आपने कोई कन्नड़ा फिल्म देखी है सर? सर नहीं देखी मैंने। ओके, KGF कांतारा, KGF का थोड़ा सा हिस्सा देखा है लेकिन KGF फिल्म पूरी नहीं देखी, लेकिन सारी ब्लॉकबस्टर और बहुत ही कमाल की फिल्म है, आइकॉनिक फिल्म मैं बोलूंगा, क्योंकि आज के टाइम में चाहे जो भी जिस तरीके से भी कहो, चाहे वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कहो, उन्होंने कितना कमाल का बिजनेस किया है, पूरी कन्नड़ा ही है ना KGF, तो ये सारी फिल्में कंटारा ना, कंटारा सर, तो ये सारी फिल्में बहुत ही ज़बरदस्त की है, तो मैं भी चाहूँगा कि कन्नड़ा और मैं बहुत सारे गाने गाऊँ, और अपने फैंस जितने भी लोग चाहते हैं मुझे और एक अलग अंदाज में उनके सामने आऊँ। वाओ अमेजिंग, इंतज़ार रहेगा सर आपका, ಜರೂರ್ ಆನಾ ಕನ್ನಡ ಮೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಒಂಚೂರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಗಿಸೋದಿತ್ತು, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ನಮಗೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಜಾವೇದ್ ಅಲಿ ಅವರ ಹಾಡುಗಳು ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಕೇಳುವಂಥವರಿಗೆ ಕಿವಿಗೆ ಇಂಪಾಗಿರಬಹುದು, ಮತ್ತು ಪದಪುಂಜಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅರ್ಥ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತೆ. ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೆಲೋ ವಿತ್ ಸಿನಿ ಬೀಟ್ಸ್, ನಾನು ಸೈಯದ್ ಹಿದಾಯತ್, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ನಾಜರ್ ಜೊತೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್.